जितना कहा गया है कि रात को कम से कम खाएं और हेल्दी चीज़ें खाएं, उतना ही रात में हमें वैसी क्रेविंग्स होती हैं। तो एनीवेज रात का टाइम था फ्राइडे नाइट और सैटरडे मेरा हाफ डे होता है, तो मेरा दिल कर रहा था पास्ता खाने का, पिज्ज़ा हट का, जो कि काफ़ी मज़े का होता है। आप लोगों ने भी आई एम श्योर ट्राई किया हुआ होगा द बेक्ड पास्ता, तो मैंने वो खा लिया रात में। और ये उन्होंने कुछ नए अपने निकाले हैं पिज्ज़ा हट ने, मेल्स, ये आप ट्राई करिएगा, मुझे तो काफ़ी मज़े के लगे। अब पता नहीं आपको कैसे लगते हैं, मेरी सिस्टर को वैसे ही पसंद नहीं आए। तो एनीवेज इट्स सैटरडे, सैटरडे को मेरा जैसे कि पता है आपको हाफ डे होता है। मैं घर आई एंड आई वाज टुडे वेरी टायर्ड बिकॉज फ्राइडे मैं काफ़ी लेट सोई थी, तो मैंने आके बस बेड सही करा है और मैं ये जा वो जा, मतलब मैं सो गई बिकॉज़ रात को मैंने जाना था अपनी सिस्टर के यहाँ। तो मैं शावर लेके तैयार हो गई थी एंड बस मैं अपनी फ्रेंड के आने का वेट कर रही थी। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं घर में ये वाली बॉटल में पानी क्यों पी रही हूँ, तो मैं एक्चुअली अपना टारगेट रखती हूँ कि मुझे इतनी बॉटल पानी ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं इस बॉटल में पानी पी रही हूँ। एनीवेज हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो शिफ्ट कर रही है घर, और उसने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग तो कर दी है, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत हम भी शहीदों में नाम लिखवा दें नहीं नहीं यार, शहीदों की बात ही है, मतलब थोड़ी हेल्प करा दें उसकी। अच्छा, ये जो चूड़ी आप देख रहे हैं ये शांजे की चूड़ी है जो कि इन्होंने अपने गेट की एंट्रेंस पे लगाई हुई, और रीज़न ये है कि बस ये इनके प्यार की इंतहा है। इसके पीछे अगर कोई और लॉजिक है तो वो मैं किसी दिन इन लोगों से पूछूंगी, बस मुझे तो इतना ही पता है कि इन्हें इससे इतना प्यार है कि बस उसकी चीज़ अपने एंट्रेंस पे लगाई हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बहन शिफ्ट कर रही है, तो देखें ऑलमोस्ट घर खाली हो चुका है, सारी चीज़ें पैक हो गई हैं। आपने अगर पिछली वीडियोस में देखा होगा इसका घर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था, और अभी जब मैंने आके देखा तो मुझे इतना अजीब सा लगा कि यार देखें बंदा क्या सोचता है और क्या हो जाता है। ऑब्वियसली शी इज शिफ्टिंग, मगर ये कि कितने दिल से ये घर सजाया था। बाय द वे, ये जो मेरी चीज़ें हैं ये हमने मज़ीद काम करने से पहले हम कुछ खा पी लें चुटुर पुटुर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और मैं तो खैर इतना कुछ खा, आजकल वैसे मैं इससे बहुत एडिक्टेड हुई हूँ, लिप्टन टी, आइस टी से, क्योंकि मैं ये सोडा ड्रिंक्स ये सब नहीं पी रही, तो ये सब आजकल चल रहा है मेरा। एनीवेज, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये लेफ्ट ओवर सामान है इनका, जो कि ये लोग निकाल रहे हैं, जो सेल आउट होगा वो सेल आउट कर देंगे, और जो कहा है कि तुम लोगों को पसंद आए वो तुम लोग ले लो। मैंने भी इसमें से काफ़ी चीज़ें अपने घर के लिए ली हैं जो आपको दिखाऊंगी, और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे भी पसंद आ गई और मम्मा को भी पसंद आ गई, और ये मैंने ले लिया। इस पर मैंने पहले ही अपना हाथ रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि अम्मी भी इसे ज़रूर पसंद करेंगी, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अब आपने बहुत ही, मैं एक मज़े का आपका किस्सा मैरी का सुनाती हूँ कि भाई ये जो बंदी इनकी अभी शिफ्ट होने वाली थी ना, इनके बाद उसने कहा कि फ्लोरिंग के साथ ही मुझे दे दो, तो इन लोगों ने पूछा भाई क्या दोगे तुम, तो बंदी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब वो चाह रही थी फ्री में मिल जाए। अब भाई देखें, कोई लगाता है तो इतनी मेहनत करता है, इतना उसने अपना पैसा लगाया होता है, तो एटलीस्ट कुछ तो तुम दो ना। तो इसकी तो भाई मैरी की मैरी को आ गया गुस्सा, उसने कहा मुझे मेरा पैसा बेशक ज़ाया हो, पैसे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े ये मैं निकाल के जाऊंगी। तो आज हम सब इसकी पूरी फ्लोरिंग निकालने आए थे क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगी थी, एंड ये पहले देख लें पीटीआई का प्यार, ये दोनों लगा के तहरीक इंसाफ के नारे लगा रही थी। तो हाँ, बैक टू फ्लोरिंग, मेरा भी ख्याल है कि मैरी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, वैसे हमारी मेहनत बड़ी लगी, मेरी तो नहीं, खैर मैं तो इतना काम नहीं कर सकती थी, बट इन बेचारों ने बड़ी मेहनत लगाई। मगर यार सही बात है ना, मतलब आपने पैसे भी नहीं देने और आपको बनी बनाई चीज़ भी चाहिए, उनके भी तो पैसे लगे ना। तो खैर एनीवेज, हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट सारी निकाल दी थी हम लोगों ने फ्लोरिंग, एंड बस वॉशरूम्स की रह गई थी, और वो भी एक वॉशरूम की, तो उन्होंने सोचा बाद में निकाल देंगे। अच्छा, बाय द वे, अगर आपके पैरों में काफ़ी दर्द होता है तो ये फुट पैड्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये आप रात को अपने पैरों में लगा लें और सुबह निकाल लें, तो इससे पेन काफ़ी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक ज़माना था कि KFC ना ओकेजन्स पे ऑर्डर की जाती थी, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ हो गई या फिर कोई घर में पार्टी है, गेट टुगेदर, तो तब ऑर्डर की जाती थी। मगर अब KFC को ना बस तब हम ऑर्डर करते हैं जब भाई हमें कोई क्विक खाना कुछ मंगाना हो, या घर में खाना नहीं बना हुआ है तो बस ये मंगा ली इस तरह। तो हमने भी काम करने के बाद
KFC मंगा ली थी। एंड देखिए, मैंने आपको कहा था ना, ये मैं अपने घर ले आई और इसकी जगह भी मैंने सोची हुई थी, उसे ही मैंने वहाँ जाके रख दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा था, लग रहा है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो है, ये मैं समझे आपको लाइव टेलीकास्ट दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे सुबह का ही नाश्ता है और मेरा दिल कर रहा था पोटैटोस खाने का। एंड जब से एयर फ्रायर आया है ना, तब से ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। मतलब आपको फैटनिंग चीज़ें भी ना, आप सोचते हो कि यार एयर फ्रायर में बना के ना तो वेट इतना नहीं बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, एयर फ्रायर में ना, आपके तो पता नहीं, मेरे जो एयर फ्रायर है उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। आई थिंक सबके में ही होता है कि आप मतलब जिस चीज़ को बना रहे हो उस पर लगा के रख दो। तो मैंने वेजिटेबल पे लगा के इसको रख दिया था और फिर मैंने आज सोचा था कि मैं अपना घर साफ करूँगी, बिकॉज़ मैं जब से सर्जरी मेरी हुई है और मैं हॉस्पिटल में थी, उफ मेरे घर का कोई बुरा हाल मचाया है। मतलब मेरी जो हेल्पर है ना, वो बस पता नहीं क्या कर करके जा रही थी, आई डोंट नो। इतनी कोई मिट्टी चीज़ों पे, वैसे भी जब वो होती है तो मैं तब भी ख़ुद भी करती रहती थी। अब मैं खाने में बनाने में बिल्कुल इतनी ख़ास नहीं हूँ, मतलब बस सरसरी सा बना लेती हूँ, मगर मुझे घर साफ़ रखने का बहुत शौक है। और आज फिर मैंने पूरी सही तरीके से जो थी ना, घर की सफाई करी, एक एक जगह से डस्टिंग करी और शीशे साफ़ किए। जब ये रूम साफ हो गया, फिर मैं ड्राइंग रूम में आई, फिर वहाँ की भी मैंने क्लीनिंग करी बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ ऊपर, यहाँ तक कि जो पेंडेंट्स है उस तक पे इतनी मिट्टी हो रही थी कि आप, मैं बता नहीं सकती। तो एक एक जगह की जब मैंने क्लीन कर लिया। अच्छा, मैं ऐसी बंदी हूँ कि नाश्ता जो है ना, वो बेशक मैं बाद में करूँ, मुझे पहले ये होता है कि घर साफ सुथरा हो जाए, फिर मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। ये मैंने रिसेंटली यहाँ एक लाइट भी लगाई है, क्योंकि हमारे जो किचन में ना एक ही लाइट ऊपर लगी हुई थी और काफ़ी कम रोशनी देती थी, तो मैंने एक नीचे लाइट लगवा ली। उससे ये है कि अब जब मैं किचन में खाना वाना बनाती हूँ तो वो लाइट ऑन कर लेती हूँ, तो सही से रोशनी आती है। ये देखें, ये मेरा ड्राॅइंग रूम है, इसकी भी मैंने आज अच्छे से क्लीनिंग करी। वैसे मेरा घर इतना गंदा नहीं रहता, मगर ये है कि मिट्टी तो आपको पता है आती रहती है। तो ये सब कुछ कर वर के मैंने सोचा था आराम से अब बैठ के ना मैं नाश्ता करूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शोपीस अभी आएगा वुड का, ये मेरी बहन जो मेरी सिस्टर है वो श्रीलंका से लाई थी, और मुझे को इतना अच्छा लगता है ये वाला। और ये जो आप मेरे घर का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये मैंने बड़े, मतलब मेरे घर वाले सोच कह रहे थे कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पर बस मुझे पसंद था ब्लू एंड मस्टर्ड तो मैंने रखा। तो ये देखें, ये बन गए हैं आलू, और बड़े मज़े के क्रिस्पी बने थे ये, पता है। एंड ये मैंने आपको ये दिखाना भूल गई थी, घर की जो मेरी एंट्रेंस है, मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। वैसे तो पहले मैंने एक व्लॉग में अपना पूरा घर दिखाया है, पर जो अभी नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो पता नहीं उन्होंने वो वीडियो देखी होगी कि नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपको अपना घर दिखा दूं। एंड ये मेरा वॉशरूम है। वॉशरूम इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को भी चाहिए कि वॉशरूम को भी क्लीन रखें, जैसे कि घर को। एक औरत का सुगड़पना वहीं से जाना जाता है, जब मेरी अम्मी ऐसा कहती हैं कि जब उसका वॉशरूम और उसका किचन साफ सुथरा हो। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। देखिए, जैसे कि मैं बता रही थी ना कि मेरी कुकिंग इतनी खास नहीं है, तो मेरी अम्मा ने सिर्फ मुझे ही कुकिंग बुक दी थी और दोनों बहनों को नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं सफाई तो कर लूँगी पर कुकिंग बुक का क्या करूँगी। एंड सीरियसली, ये कुकिंग बुक मैंने आज तक यूज़ नहीं की, वैसी नई की नई रखी है। एंड खैर, ये मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया था, और नाश्ते में मैं चाय वैसे लेती नहीं, पर कभी कभी दिल करता है जब मुझे कुछ डुबोना हो उसमें, जैसे कि पापे हो गए, टोस्ट हो गया। एंड ये चीज़ें जब तक आप डुबो के चाय में ना खाओ ना, मज़ा नहीं आता। और खैर, ये दवाइयाँ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, अब मैं थ्रोट पेन के लिए एंटीबायोटिक ले रही हूँ, तो बस फिर इसके बाद मैंने वो ली। और आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो, अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।